सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना क्या है, बस खोलना है ओरियो को, एक निकालना है। अब जैसा कि हम देख पाते हैं, पहले ट्विस्ट करो, फिर लीक करो और फिर डन करो। ये जो मैं आपको बता रहा था, इसका मतलब क्या है आपके लिए? इसका मतलब यह है कि MIA1 पे आ चुका है एंड्रॉइड ओरियो का अपग्रेड, मतलब 8.0.0 का अपग्रेड, और जो दूसरे फोन्स हैं जो ब्लैंड अपग्रेड ओरियो का अपग्रेड उनमें है, तो उनमें नोटिफिकेशन धीरे धीरे आते रहेंगे। तो वो भी इस वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम अपडेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिस्टम अपडेट को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और हम देखेंगे कुछ एंड्रॉइड ओरियो के फीचर्स। तो देख लेते हैं ये वीडियो एंड तक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियो अपडेट्स की। तो चलिए देख लेते हैं ये अपडेट। हाँ तो दोस्तों, अभी आप आ चुके हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे और मैं ये एंड्रॉयड ओरियो अपडेट डाउनलोड करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह है सिस्टम अपडेट और ये डाउनलोड हो रहा है। ये अप्रॉक्स 1107.4 MB, मतलब 1.1 GB का है। तो ये पहले होगा डाउनलोड, उसके बाद होगा इंस्टॉल। तो चलिए पहले डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे पा रहे हैं कि सिस्टम अपडेट इंस्टॉलिंग चल रहा है। दो स्टेप्स रहते हैं जो बेसिकली होता है सिक्योरिटी पैच के टाइम पे भी। तो ये सिक्योरिटी पैच नहीं है, सिस्टम अपडेट है। तो ये पहले इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा फ़ोन को, और उसके बाद हम एंड्रॉयड ओरियो पे चले जाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो सेटिंग्स में हम जाते हैं पहले, और अगर हम सिस्टम में जाए तो आपको दिखेगा कि सिस्टम अपडेट हो चुका है, अपडेटेड टू एंड्रॉयड 8.0.0, ये देखिए। और अगर मैं पीछे जाऊं और अबाउट फोन में मारूं, तो यहां आप देख पा रहे हो कि एंड्रॉइड वर्जन 8.0.0 हो चुका है। अब एंड्रॉइड वर्जन में आपको जाना है, यहां आपको दिख रहा है ओरियो, और इस पे अगर आप ज्यादा देरी तक क्लिक करें तो आ जाता है ऑक्टोबस, ये रहा सिंबल ओरियो का। अब मैं जाता हूं पीछे और आपको फीचर्स के बारे में बताता हूं धीरे धीरे। पहले आप देखेंगे नोटिफिकेशन बार, जिसमें बहुत चेंजेस अब आ चुके हैं, सादा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये अगर मैं एनलार्ज करूं तो आपको दिखेगा फ्लैश लाइट भी मिलता है अलग से, और बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जा रहे हैं अभी। और एक एक नोटिफिकेशन को अगर आप से चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आराम से इसको थोड़ा टॉगल कर लो और सेटिंग्स में जाओ। आप इसको रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, आप अपने आप दिखा सकते हो। आगे दिखा रहा हूँ आपको, फिर सेटिंग्स में फिर से जाता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग्स का UI चेंज हो चुका है। आप बैटरी में जाएंगे तो बैटरी ऐसा नहीं था जैसा आप दिख रहा है, और पूरा UI चेंज हो गया है धीरे धीरे। यहाँ कनेक्टेड डिवाइसेस बन चुका है जो कि ब्लूटूथ था पहले। और आगे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये है ऐप मैनेजर का जगह, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में एक अलग सा डॉट पॉइंट है, वो है आपका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आ रहा है, आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका नोटिफिकेशन ऐसे करके दिखाएगा। जैसे कि 4 नोटिफिकेशन मेरे इंस्टाग्राम में है अभी, और फेसबुक का भी मैं अगर इस तरीके से क्लिक करता हूं तो आपको वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ये है नया फीचर और एक। और आज जैसे कि मैंने, और बहुत ही फास्ट बन चुका है ये, और अंधुत बेंचमार्किंग करने के बाद इसका निकला, इसका स्कोर निकला है MIA1 पे 63801। तो आप भी चेक कीजिए अपने फ़ोन पे कि कितना निकल रहा है आपका अंधुत बेंचमार्किंग का स्कोर। और दूसरे फ़ोन जो अपग्रेड होने वाले हैं ओरियो पे, उनका अपडेट आते रहेगा। तो यही स्टेप्स है, इसी तरीके से आपको करना है आगे और इंस्टॉल कर लेना है। और मैं 10 से 15 दिनों में और रिव्यू यूसेज करने के बाद और यूटिलाइज करने के बाद मैं फुल डेप्थ रिव्यू दूंगा ओरियो का, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों 10 से 15 दिनों में मैं देने वाला हूँ इन डेप्थ रिव्यू ओरियो का, और आज यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। और एंड करने से पहले यही कहूंगा कि मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।